एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्यों ज़रूरी होता है और कैसे करना चाहिए? आप कोई प्रेजेंटेशन सुन रहे हो, किसी ग्रुप डिस्कशन का पार्ट हो, या आपका कोई दोस्त आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो, या कोई भी आपसे किसी भी बात में विषय में चर्चा कर रहा हो, आपकी रोज़मर्रा की डे टू डे लाइफ कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग स्किल्स बहुत ही मायने रखता है। इससे जो है सामने वाले को ये पता चलता है कि आपका कॉन्शियस एफर्ट जो है उनको समझने में जा रहा है और आपको भी पॉजिटिव इमोशंस जो है फील होते हैं और सामने वाले को भी है एक कनेक्शन फील होता है, एक पॉजिटिव इमोशन फील होता है। कैसे करना चाहिए? आई कॉन्टैक्ट। सोच के देखिए, जब आप किसी से बात करते हैं और उनका आई कॉन्टैक्ट आपकी तरफ नहीं होता, उनका ध्यान इधर उधर होता है, तो आपको ये डाउट होता है कि शायद उनका ध्यान अटेंशन जो है थोड़ा डिवाइडेड है, पूरी तरह से आपकी तरफ केंद्रित नहीं है। तो इसलिए आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब आप किसी को सुन रहे हो, अपना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखें। दूसरा, आपका ध्यान अटेंशन, माइंड कहीं पर भी डिस्ट्रैक्टेड हो, इधर उधर सोच रहा हो, ध्यान से प्यार से अपनी अवेयरनेस जो है सामने वाले की बात पर रखें। इससे जो है आप उनकी बात अच्छे से सुन पाएंगे, तो उनकी बात अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरा, आप उनकी बात समझ पाएंगे तो उनके वर्ड्स पे, शब्दों पे जो है अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और उनकी चीज़ को अच्छे से जो है कि बिना किसी मिसइंटरप्रिटेशन के आप जो है एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जो बहुत ही ज़रूरी होगा सामने वाले को समझने के लिए। चौथा, अपने प्रॉम्प्ट्स दें, वर्बल नॉन वर्बल दोनों। नॉन वर्बल कैसे? अपना हेड नॉड करके। वर्बल कैसे? हाँ बिल्कुल, आगे बोलिए, या आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा सा और आपको जानने की ज़रूरत है, इस बारे में थोड़ा और बताएंगी आप हमें, इस चर्चा के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगी। सो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि आप इंगेज्ड हैं उनकी कॉन्वर्सेशन में। पाँचवा, अपना माइंड ओपन रखें, अपने स्टीरियोटाइप्स, जजमेंट, बिलीफ सिस्टम साइड पे रखें और सिर्फ उनको समझने में जो है अपना पूरा ध्यान दें। छठा, आप जो है उनकी इमोशंस को है, फीलिंग्स को है समझने की कोशिश करें, उसे रिफ्लेक्ट करें। सोच के देखें, जब आपको कोई कहे कि नहीं आप समझ पा रहे हैं कि आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं या दर्द महसूस कर रहे हैं, तो आपको एक रिलीफ महसूस होता है, एक कनेक्शन बिल्ड होता है। सो उनके इमोशंस पर रिफ्लेक्ट करें। सातवां, इंटरप्ट ना करें। कोई कॉन्वर्सेशन जब आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आपने एडवाइस देनी हो, सिर्फ सुनने पे अपना ध्यान दें। सुनने में ही जो है इंसान को, सामने वाले को एक अच्छा रिलीफ फील होता है, एक कनेक्शन बिल्ड होता है, जो एक एम्पथेटिक कनेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और लास्टली, आप जो है अपना फीडबैक जो है उनको दें। जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो उस बारे में आप जो है इस तरह से बोल सकते हैं कि हाँ नहीं, आप समझ रहे हैं कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं, जो है आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा आप भी महसूस कर सकते हैं अगर इसी सिचुएशन में होते। सो उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल करके उनको थोड़ा फीडबैक दें। जब आप ये सारी चीज़ों को जो है फॉलो करते हैं, तो आप एक सक्षम, कॉन्फिडेंट जो है अपने आप में फील करते हैं, कम्युनिकेशन में फील करते हैं, और इससे जो क्या होता है, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं, एक इंटरपर्सनल रिलेशन जो है आपका बेहतर होता है और एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी जो है आप में डेवलप होती है। सो कीप फॉलोइंग दिस, आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहें।